सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड बज रहे हैं 8 और आज है संडे और आज है भगवान का 8th डे। इसके बाद कल है नवरात्रि, कल है रामनवमी, कल नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे एंड कल इसके बाद आएगा दशहरा, जिसमें बुराई को ख़त्म किया जाता है, जो कि लोगों के अंदर से कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे दशहरा आए चाहे ना आए। क्योंकि अगर आप अपने अंदर खुद चेंज लाओ तो वो है दशहरा। आप हर साल रावण जलाते हो, पेपर वेस्ट करते हो, चीज़ों को वेस्ट करते हो, फिर भी आपके अंदर से बुराई नहीं जाती है, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं दशहरे का। जब आप अपने अंदर से बुराई ख़त्म करते हो तो फ़ायदा दशहरा मनाने का। लेकिन वो हर किसी को समझ नहीं आता, समझ उन्हीं को आता है जिनमें दिमाग होता है, फिर जो लोग दिल से सोचते हैं, जो दिमाग से सोचते हैं वो हमेशा गलत ही सोचेंगे। चलो वो छोड़ो, आज है अष्टमी, जो लोग अष्टमी मनाते हो, पर मैं मनाऊंगी रामनवमी, क्योंकि रामनवमी होती है अष्टमी कोई नहीं होती। यह छोटी दिवाली नहीं होती, बड़ी दिवाली होती है, वैसे ही रामनवमी होती है, अष्टमी नहीं होती। तो एक कल मैं कल मनाऊंगी, तो अभी आज मेरा फास्ट आखिरी है, तो चलो तैयारी करते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं। और आज संडे भी है तो ये जिम भी फ्री रहेगा आज। नींद आ रही नहीं, पर अब नहीं सोना, अब सारा काम, घर का काम वाम करना है, थोड़ी सफाई करनी है, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगी, मेरे को नहीं मिलेगा समय काम करने का, मतलब सफाई करने का। तो चलो थोड़ा बहुत कर लेते, बाहर की मैंने कल पूरी कर ली है, बस अंदर की रह गई है। चलो स्टार्ट करते हो, आपको दिखाते हैं। घर की अंदाजा लगा लो कि गंदी कैसी थी और मैंने कैसी कर दिया हूँ। पहले बहुत बस से सफाई करता हो, कभी करनी जानी हो तो पता चले घर में सिर्फ आओ का काम था, बस सामान उठा के दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि सफाई तू ही करेगी, जहाँ हाथ नहीं जाएगा वहाँ तो करा देंगे, बाकी नहीं तो वही सफाई करने से आदत बनती सफाई करने की, अपना अपना तो करनी चाहिए, पर वो हर किसी को तो नहीं आती, क्या कर सकते। क्योंकि सब क्या कहते हैं, हम मान ही घर से है ना, इस घर में क्या करें भाई, मैं नहीं हूँ मान ही घर से, इसलिए मुझे तो करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। ये ऊपर से बंद हो जाएगी, ऊपर से बंद हो जाएगी, तो ऐसी फंसेगी, हाँ फंसेगी ऐसी, बस ये खिड़की रहेगी लास्ट। आज मैं रूम कर दिया, मैं किचन कल करूंगी, किचन करोगे? हाँ, आज नहीं करूँ कल करूंगी। ओके, ये एक दिन में सारा पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे बार बार ऐसी धीरे धीरे धंधा भी करूंगी। हाँ, पर कल कर दूंगी, ऐसे तो सिर्फ नीचे का ही करना है, किचन का ऊपर का तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तब से ना हुआ ये काम, क्योंकि जब भी शायद गई आया था घर में। हैं? इन लोगों को पता चलता है कि दिवाली आने वाली
मकड़ी हो वो? नहीं, धूल मिट्टी को पानी देखे दिवाली आने वाली और जीजा के चिपकने है छत पे। हाँ मैं रोज साफ करती हूँ जाने वाले से। मेरे भी ये तो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ना बड़ी दिक्कत हो रही है। रोज भी साफ करो वो भी कम है। काम वाली लगा लेती हूँ, कह देती हूँ दीदी जा रही आप कर लो। बहुत मिट्टी बदलती है और खास कर छत पे चिपकती ज्यादा है। थक गया आए राम। आज या कल में आएंगे फोटो फ्रेम वाले को आपके वो कराने हैं क्या वो सर्टिफिकेट? हाँ अभी आप जीत के आए थे। ठीक है, ये तो बैठ गया भगवान में। गंदगी तो नहीं मचाऊ आई है जब तू के कर ऐसा भी तो नहीं करती ऐसा। दिवाली है तो सफाई तो होगी ना। दिवाली सफाई अभियान चालू है। हम लोग दिवाली से पहले गंदगी इकट्ठी करते हैं, दिवाली में सफाई करते हैं। हाँ ये देख लो सब सफाई अभियान मेरे ऊपर ही चला हुई है। सारा कूड़ा मेरे ऊपर आ रहा है। आप हटते क्यों नहीं हो? हटते क्यों नहीं? देव 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 ओह चल पे हद है यार। तभी तो मैंने ये पहना है। तो भाई ये है ना, ये मैंने ना तोड़ दिया पिछलते पिछलते ने, ये बच गई। ये देखो भाई यहाँ पे ना ये बड़ा पत्थर था, जो बड़ा पत्थर तोड़ दिया और मैडम फिसल गई। मैडम बोझ भी ना सह पाया ये आज। अरे इतना वजन भी ना है यार तेरे में, हद होगी यार। तो कैसे टूट गया वो? तो पत्थर में वो मैंने पकड़ भी लिया फिर भी नीचे एकदम तक पकड़ा होता तो ज्यादा वैसे भी लगी तो है, पर अभी पता नहीं चली। अभी ना पता चले, बाद में पता चले भाई आज गिर गई मैडम। लगी तो है पर बता ना रही कहाँ लग रही है। काम करो फिर वो तो बात है ही। हाँ तो यार कर लेती पहले सारा काम। और क्या लगना क्या? गर्मी काम लगेगी नहीं क्या? कि मिट्टी की बनी टूट गई मैं, ऐसी बात कर रहे हो तुम? ऐसा ही होता है घर में। सो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए एंड सी द कॉम्बिनेशन। क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है। तो भाई आज है 8th डे नवरात्रे का और आज है दिन महागौरी माता का दिन। भाई महागौरी माता का दिन है आज और अब हम जाएंगे पूजा करने 11:30। भाई इसलिए हो गए जैसे कि ब्लॉग में देख ही लिया होगा इतनी साफ सफाई अंदर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके अंदर तक। अभी सिर्फ रूम की है एक, अभी तो मेरी किचन बाकी है। दूसरे कमरे में भाई मैं इसलिए नहीं करती ज्यादा सफाई बिकॉज उस रूम का ना कंस्ट्रक्शन होना है कुछ टाइम में, तो उसकी सफाई करने का फायदा नहीं। बाकी मैं हाफ मतलब पोछना झाड़ू पोछा बाकी मैं वो सब कर देती हूँ। क्योंकि वो जो जैसे ये विंडो मेरी बाहर की आप लोगों ने देखी आज, ये सेम विंडो दूसरे रूम में विंडो निकल के बाहर वॉशरूम बनेगा, इस वजह से मैंने उसका क्लीन नहीं किया। बट हाँ पोछ झाड़ सब मैंने दिया है। अब भाई अब हम जाएंगे पूजा करने क्योंकि मैं तो हूँ रेडी, बिल्कुल रेडी। और भाई देख लो इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहे हो। और दोनों सेम टू सेम कलर है, एकदम सेम टू सेम कलर। कोई कोई हमारा बिल्कुल सेम हो जाता है, कोई कोई हमारा ऊपर ही चला। आज का कलर हमारा 19-20 भी नहीं है, पता आपको बिल्कुल सेम है। भाई चलो पूजा कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसा लग रहा है फास्ट रुक के जैसे कुछ बॉडी में अधूरा था वो पूरा हो गया। ये तो बात है भाई। क्या ही? तो लोगों को खाना ना खाने से अजीब फील होता है, मुझे ना खाने से इतनी एनर्जी आई मैं बता नहीं सकता। ये एनर्जी की जोर की देन है जो है, है? ये तो बात होती है जब हम किसी के लिए ये कई कई जो रहते हैं ये इंटरमिट फास्टिंग का टाइम दे देते हैं, वही रहता है इस तरह से। हाँ तो भगवान हमारे नहीं करेगा ये तो है, भगवान को टाइम दोगे तभी भगवान आपको। और ऐसा नहीं कि मेरे फास्ट खाने में गए। हाँ खाना बिल्कुल भी ना खाया आज, तो
हाँ बस जो भोग बना है वो तो भैया खाना पड़ेगा, वरना व्रत पूरा नहीं होगा। हाँ जी, तो मैडम रेडी हो ली है। मैडम ए मैडम लग तो मस्त रही है। ये मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे घर से आई थी और मैंने कह के मंगाई थी भाई हल्की साड़ी देना जो मैं कभी इन केस कहीं जरूरत पड़े पार्ट जो है पहनने को, और ना पापा तो वही हैवी ला देते शादी हो जैसी, तो मैंने बोल के मंगाई थी भाई हल्की साड़ी चाहिए, और भाई रंग मैंने नहीं बताया था, रंग खुद पसंद किया और भाई बहुत प्यारा कलर है ये, जब तो मैंने थोड़ी देर पहनी थी, आज मैं इसको प्रॉपर पहनूंगी पूरे दिन। मस्त लग रही है। चल और ये ब्लाउज इसका नहीं है, कॉम्बिनेशन इसी में दे रहा है किसी के साथ, क्योंकि मैं हल्की साड़ियों के डेली वेयर के ब्लाउज नहीं स्टिच कराती, मैं रेडीमेड ही रहती हूँ और अच्छे भी लगते हैं। मैं तो रेडी हूँ, आप रेडी हो? मैं रेडी हूँ। चल चाय पी ले पहले, फटाफट पी ले। जी भाइयों चलते हैं भाई अपना भंडारा खाने, सारे सारे कस रेडी हो गए भाई। ये भाई जेब में मैंने पनीर रखी हुई है, एक दो सब्जी और हलवा तो जरूर ले जाऊंगा, हलवा मिल गया तो भैया ने बोला भी हुआ है, तो भाई हलवा मैडम आपके ले जाए हो मैडम ने खाना ना, मैडम का तो फास्ट है ये तो कस ले रहा है के लाएगा तो भाई कुछ ना लाया। चलो भाई आप आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। चलो जी मिलते हैं आप सीधा टीम को भैया के, स्टार्ट कर देते हैं भाई। यहाँ सिखोपुर भाई सारे रहीसों के गांव में आ गए हम, है सारे रहीस है यार, है भैया ये एक रहीस ही तो हमारे सामने ही है, तो चलो भाई है। ये है संजू, ये है काजल, मेरा फास्ट है। चलो खा लो, मैं खा सकती हूँ तो खाई ना लेती। स्पेशली हम सिर्फ खाने आए हैं मैं यहाँ से वहां तक लूंगी तुम लोगों की वीडियो। भले भले काजू भले तुमसे अरे कटोरी क्यों मिली? नहीं तो इसमें है ही नहीं कटोरी। नहीं नहीं इसमें 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 डालने के लिए मीठा नहीं खाले मोटे हो जाएगी। बैठो एक जगह नीचे, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगी। भाई आधी लेडीज आ चुकी है, आधी लेडीज खा रही है। देखो इनके लक्षण, देखो सब्जी देखो, उसमें आलू के छोले कैसे बताओगे? इधर के छोले बहुत बढ़िया बनाए, बढ़िया बनाए। ये खाएगी सिर्फ सब्जी, ये सब्जी पे हम खाएगी सिर्फ पूरी। उसने अपने खाने के हिसाब से रखा है प्लेट में, उसने अपने खाने के हिसाब से कर ली।
लो भाई भाई अपना खाना वाना खा के भंडारेगा और भाई भैया ने भेजा मंदिर देखने। ये है करोड़ों का मंदिर, ढाई करोड़ का मंदिर। हाँ कभी देख कहो के काम सही चल रहा है कि ना सही चल रहा है, तो वो काजल देख लीजिए अपने आप और देखने वाली कैसी होती है। अच्छा अलग अलग मंदिर? ना 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 अलग अलग जैसे डॉक्टर हॉस्टल में स्पेशलिटी होती है। अच्छा हॉस्टल डॉक्टर से क्या जोड़ देते हो? और डॉक्टर हनुमान जी रहेगा, अलग अलग चीज होती है पता तुझे। देखा है ये भाई और राधे जी। मैडम कहाँ जा रही है, खेलना है? मैडम कैसे लगा आपको आके बताइए? अच्छा लग रहा है मंदिर में तो शांति मिलती है। तो यही छोड़ जाऊँ? छोड़ जाऊँ मैं फिर? मेरे को भी रुकना ही पड़ेगा, तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? ये खाने की प्रॉब्लम तुम्हारी है मेरी नहीं। कहते आज मैंने को ना ऐसा बनवाना तुलसी का ना बाबा ना पौधा ऐसे करके लगवा ली बीच में आंगन में, ये सही रहता है। ऐसा बीच आंगन में ये सही रहता है। चलो बढ़वाऊंगा तो डर क्यों रही है? पकड़िए एक बार। हाँ अब आइए। भाई ये है मेन, यहाँ मंदिर में तो शांति था, हम वीडियो और अपने जाना आना कर सके, अपना है सबका लिखा हुआ है, सही है सब तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ देख रुक जाओ मेरे लिए, रुको पकड़ लियो। जय हनुमान जय हनुमान। ले भाई मैं ये सबका वो बन जाऊ भाई, मेरे भी लगा देना। ले भाई मैं पंडित बना दिए, रुक जा पहले मैं अपना लो भाई। कैसा ही लगाया लगाया तो इसका क्या बनाया? हाँ लगा दिया। ठीक है छोड़ दो मैं बना देती हूँ। अच्छा आपको ही देना है क्या? आप तो गए आप पकड़ने में ढंग से मत तो ठीक ना है क्यों यूँ हो जाए ना कि भाई अपना हो जाए उसमें यूँ ना रहता, वीडियो मत बनाओ वीडियो मत करो यहाँ मत जाओ, वो ठीक रहा है ना। अरे मंदिर से तो कोई होता है ना मतलब भगवान का स्थल कहीं जाएगा शांति शांति। वो लगाओगे ना चलो गांव का मंदिर 250 करोड़ बना देंगे। थंबनेल मिल गया ना हमें, यही लिखोगे ना? हाँ और कुछ थंबनेल और कुछ भी दे दे कुछ और। गांव में गए मिला मंदिर में कुछ नया ना, मंदिर में मिले 2.5 करोड़ रुपए नहीं ये लिख रही सबसे बढ़िया रहे 2.5 करोड़ थोड़ा अलग नहीं, हमने बनवाया 2.5 करोड़ का मंदिर। हाँ ये लिख रही है हम नहीं बनवाया नहीं सूट कर रहा भाई नहीं सूट कर रहा भाई सूट कर रहा है क्यों ना हम 2.5 करोड़ क्यों ना लग रहे भाई नहीं लगता बेस्ट है अपने ऊपर भरोसा रखना जी, हम क्या कुछ नहीं कर सकते भैया। फिर तो ठीक है वो भी हो हमने तो है तो एक बेस्ट फिर
चलो भाई अब चलते भाई अपना घर। अब ये तो पूरा पुल यहाँ तक भर रखा है। वैसे मेरे को दोबारा भूख लगी है, ज्यादा दूर नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। भाई अभी बजे हैं 5:30 और मैं इनकी घी की सब्जी, राइस और फिर मैं दही बना रही हूँ समोसा, तो इनका रेडी कर रही हूँ। फिर खाने का टाइम हो गया तो ये बोलेंगे जल्दी 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 के चक्कर में फिर बन नहीं पाएगा। इसमें सब्जी है, बाकी जैसे बाहर मिलता है मैं उस हिसाब से बनाती हूँ, उस हिसाब से इनको पसंद भी आने लग गया है। क्योंकि जो चीज़ मतलब खानी ज़रूरी है वो घर में बन सकती है, तो बाहर से लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो भाई ये तो है ब्लैक पेपर और इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। तो भाई ये एक मील नहीं है, ये मील है दो, तो मैं एक साथ ही तैयार कर रही हूँ आज। क्योंकि जब दूसरी बार भी ये बनाना है, ये आज मैंने सुबह बनाया नहीं था और ये मैंने अब ही बनाया है। एक बार बना के फ्री फिर मैं अपना खाना बना सकती हूँ। कि आज मेरा आखिरी फास्ट है, तो फास्ट का खाना सिर्फ आज और बनेगा लास्ट, उसके बाद नहीं खाना है खाना, फिर वही जैसे सब खाते वही खाना है। फास्ट भी ख़त्म, बुरा भी लग रहा है बट कोई बात नहीं, हर साल आते हैं ये तो करना चाहिए। मैं खाना रेडी करते हैं फिर इनको उठाते और खाना देते हैं। और जो मैं बनाने वाली हूँ आज, वो मैंने आज मैंने बनाया पनीर के साथ या कुट्टू का आटा। आज मैं इसके पकोड़े बनाने वाली हूँ, थोड़ा तो डिफरेंट हो जाए आज के दिन, वरना मैंने आलू के ही पकोड़े खाए हैं रोज। कोई बात नहीं, आज ये टेस्ट करके देखते हैं। और इनका खाना तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो भाई जोत लगा दी मैडम ने। और मैडम क्या आ गया आपका सामान? मेरी शॉपिंग ऑनलाइन है सारी, रोज कुछ ना कुछ आएगा। मैंने सिर्फ कपड़ों का 20,000 का बिल फाड़ दिया ऑलरेडी, कोई ना, बाकी सारी चीजें तो अलग आएगी। तो पहले वही आया है जो मुझे जयपुर में पहनना पड़े है। अरे वाह भाई वाह, मस्त आ गए इस बार तो। और दूसरा अभी देखती साइज का, देखती हूँ साइज में प्रॉब्लम है, अप डाउन कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं हो तो पहले ही मंगा ले, मगर साइज में कोई दिक्कत ना हो। आपके रुमाल जितने यार ये छोटे छोटे से, चलो देखते हैं आएंगे या ना आएंगे वो देखो। हाँ, साइज देखते हैं। हाँ अभी पहले चल के वो सामान ले आए उसका। हाँ, सामान तो लाना कल के लिए। ये पेड़ था टू का और ये मिंत्रा से है, बाकी देख लो मिंत्रा से मीशो से। मैं वही प्रोडक्ट लेती हूँ जो मुझे समझ आता है कि हाँ सही होगा। हाँ। ऐसा नहीं कि मेरी शॉपिंग ही मीशो से होती है। तो भाई दोनों प्रोडक्ट मिंत्रा से है, अब इनको ट्राई करके देखूंगी तब दिखाऊंगी। और ट्रायल में जब करूंगी मेरी सारी चीज आ लेगी, 27 तक सब आ लेगा। अभी नहीं रखती हूँ, पहले चलते हैं सामान लेना है। तो मैडम सारा सामान आ गया, आटा भी लिया है भाई, एक एक सबके लिए स्टील का ये लिया है। और क्या लाया मैडम? और सूजी लानी थी है ना, और तो सारा सामान था अपने पास। और बनाना लिया है अपने अलग से, बनाना रखे हैं। तो खाना बना ले आज मैडम, क्या बनाने वाली अपने लिए? थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैंने भगवान के लिए भी स्पेशल चीज बनाई है, पनीर के पकौड़े। मैंने भी पनीर खाऊंगी और भगवान को भी पनीर खिलाऊंगी। वही आज मैंने पनीर के पकौड़े बनाए भगवान के लिए भी और अपने लिए भी। आगे दिन कुछ अच्छे खिलाते हैं, उसके बाद तो खाना तो सुबह बनेगा ही बनेगा। जय माता दी। अभी से जय माता दी, बाय बाय, गुड नाइट।